महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में शुक्रवार की देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कुदलवाड़ी इलाके में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से बड़ी संख्या में दुकानों को नुकसान पहुंचा है। ये घटना देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास की है जब पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कुदलवाड़ी इलाके में लोग अपने घरों में सो रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि अचानक एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी उग्र हो गई कि उसने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से उठने वाली ऊंची ऊंची लपटों ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की तकरीबन 12 गाड़ियां पहुंची, वहीं 10 से 12 पानी के टैंकरों को दमकल विभाग की ओर से घटनास्थल पर भेजा गया। बताया जा रहा है कि जिन दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया उन दुकानों में बड़े पैमाने पर कागज, रबर और प्लास्टिक के सामान पड़े हुए थे जिसकी वजह से आग फैलती चली गई। सबसे बड़ी समस्या इस बात की रही कि मौके पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी जिससे आग बुझाने में जुटे दमकल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रात को हमें फायर कॉल आ गया कि यहाँ पे कुदलवाड़ी में जो स्क्रैप की गोड़ा है उसमें आग लगी है, तो हमने यहाँ पे हमारे सारे 20 फायर टेंडर भेज के यहाँ पे फायर कंट्रोल में है। अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, आग लगने का कारण अभी क्लियर नहीं हुआ है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन 150 से ज़्यादा छोटे छोटे दुकान से अबाउट 20 व्हीकल्स यहाँ पे थी। यहाँ पुणे कॉरपोरेशन, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, PMRDA और PCMC का बाकी फायर क्रू था पूरा। शुक्रवार की देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास लगी आग को बुझाने में सुबह के 6 बज गए। कड़ी जद्दोजहद के बाद पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम और PMRDA की कुल मिलाकर 60 अग्निशमन गाड़ियों ने आखिरकार आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद दमकल विभाग की तरफ से घटना स्थल पर कूलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कबाड़ की दुकान में ये आग आखिर लगी कैसे। वहीं पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की तरफ से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जिन दुकानों में आग लगी है वे पूरी तरह से अनधिकृत हैं, जिसकी जांच जारी है। मोहन दुबे, In24 न्यूज, पिंपरी चिंचवड़। एक बड़ी जानकारी दे दे कि In24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर In24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने In24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।